हिंदी सिनेमा गानों के बगैर अधूरा सा लगता है। हिंदी सिनेमा में गायक गायिकाओं को सितारों से कम दर्जा हासिल नहीं होता। वे फिल्मों के अलावा भी अपने स्टेज शो करते हैं और उनकी लोकप्रियता आसमान छूती है। आज के दौर में महिला गायिकाएं सोलो सिंगिंग शोज कर रही हैं। उनके खुद के अपने अलग बैंड है। वे विज्ञापन फिल्मों में आती है। कुल मिलाकर वे कमाई भी खूब कर रही है। टीवी पर म्यूजिक टैलेंट हंट शोज ने सिंगर्स को लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां दी है। नई पीढ़ी भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से सामने आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 बॉलीवुड फीमेल सिंगर कौन सी है? चलिए जानते हैं कौन सी है वो 5 टॉप बॉलीवुड सिंगर्स। आशा भोसले आज इंडस्ट्री की सबसे सीनियर गायिका है और उनकी आवाज का जादू करोड़ों लोगों पर चलता है। वे इन दिनों ज्यादातर स्टेज शो करती है और उनकी कुल संपत्ति लगभग 80 करोड़ रुपए है। चिकनी चमेली गाने वाली श्रेया घोषाल बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक गाना गाने के लिए करीब 25 से 27 लाख रुपए चार्ज करती है और उनकी कुल संपत्ति लगभग 185 करोड़ रुपए बताई गई है। धूम मचाले गाने वाली सुनिधि चौहान की देश भर में बड़ी फैन फॉलोइंग है। लंबे अरसे से वह सबसे अधिक डिमांड वाली सिंगर्स में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनिधि किसी गाने को अपनी आवाज देने के लिए 12 से 16 लाख रुपए चार्ज करती है और उनकी कुल संपत्ति लगभग 100 करोड़ रुपए आकी गई है। अक्सर टीवी शो में नए सिंगर को जज करते दिखने वाली नेहा कक्कड़ की सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग है। बीते कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी अच्छी पहचान बनाई। वह एक गाना गाने के लिए 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करती है और उनकी कुल संपत्ति लगभग 37 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं अलका याग्निक आज भी बॉलीवुड की भरोसेमंद आवाज है। सुरीली आवाज चाहिए तो उनका मुकाबला नहीं है। उनकी कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वो बॉलीवुड में एक गाना गाने के लिए करीब 20 लाख रुपए चार्ज करती है। ये है बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल सिंगर्स। इन सभी की आवाज में अलग सा जादू है और इनके भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी फैंस हैं। इनकी आवाज का जादू करोड़ों लोगों पर चलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।